हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मुंबई की फेमस मिठाई की रेसिपी अफलातून, जो सभी को बहुत पसंद होती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हो सकती है घर पर। आप इसको बनाइए घर पर, सभी को बहुत पसंद आएगी। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है, आधा कप चीनी ली है, आधा कप देसी घी लिया है और आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। और यहाँ पर 200 ग्राम मैंने मावा लिया है, एक कप दूध लिया है और पिस्ता और बादाम लिए हैं थोड़े से, बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और आधा चम्मच इलायची पाउडर लगेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, थोड़ा हैवी बर्तन हमें लेना है, और इसके अंदर डालेंगे हम देसी घी। तो आप इसको देसी घी में बनाइएगा, देसी घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है, और इसको मेल्ट होने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पर मैंने सूजी बारीक वाली ली है, आप मोटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें भून लेना है, यानी कि गोल्डन होने तक हमें इसे पका लेना है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, ध्यान रखना है ये हमें मिठाई लो फ्लेम पर तैयार करनी है, तो नहीं तो ये हमारी सूजी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो इसे गोल्डन होने देंगे। ये देखिए पूरे 10 मिनट लगे हैं इसको गोल्डन होने में। अब इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी को भी हम इसके साथ में ऐसे ही पका लेंगे। कैरामलाइज होने तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पका लेना है। इस तरह से हम लगातार इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छा सा कलर सब में एक सा आए। इस तरह से हमें पका लेना है लगातार चलाते हुए। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी है चीनी, और बहुत अच्छे से हमने पका लिया है लो फ्लेम पर। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये पिस्ता बादाम बारीक कटा हुआ, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करते रहेंगे। दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इस तरह से हमने इसमें पूरा दूध ऐड कर दिया है तीन बार में करके, और इसमें डालेंगे हम ये मावा। तो यहाँ पर मेरा मावा बिल्कुल ताज़ा है, अगर आपका मावा थोड़ा हार्ड है तो आप उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। और इसी तरह से हमें 5 से 6 मिनट लगातार पका लेना है लो फ्लेम पर, यानी कि जब तक ये अपना पैन ना छोड़ दे। इस तरह से हमें इसे पका लेना है लो फ्लेम पर, लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे इसको। और ये देखिए इसे, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर, और इसी तरह से हमें इसकी भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छे से। अगर आपने हाई फ्लेम किया तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए ये अब डो की शक्ल में आ गया है, यानी कि इसने पैन भी छोड़ दिया है, घी अलग होने लगा है, ये बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद करेंगे, इसको निकाल लेते हैं ट्रे में। तो यहाँ पर ट्रे को मैंने ग्रीस कर रखा है पहले से, और इसको इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे। कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बर्फी ट्रे है तो मैंने इसमें इस सेट कर दिया इसको, और इस तरह से हम इसको फैला देंगे। और देखिए अफलातून का कलर थोड़ा डार्क होता है, बिल्कुल इसी कलर की होती है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर जब आप पकाएंगे तो जब ही ये कलर आ पाएगा, और वही टेस्ट और वही खुशबू। तो ध्यान रखना है लो फ्लेम पर इसी तरह से आपको पका लेना है। अब हम इस पर डाल देंगे पिस्ता बादाम बारीक कटा हुआ, या आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए इसके ऊपर लगा देंगे हम पिस्ता बादाम, और इस तरह से हम इसे दबा देंगे जिससे ये अंदर सेट हो जाए अच्छे से। और इसको हम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे इसको सेट होने के लिए। 2 से 3 घंटे रख देते हैं, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए, और ये मैंने 2 से 3 घंटे रख दी थी, ये अच्छे से सेट हो चुकी है मिठाई। अब हम इसमें कट लगाएंगे, इस तरह से हम इसको बीच में से कट लगाएंगे। और अफलातून थोड़ा रेक्टेंगल शेप में होती है, तो इस तरह से हम इसमें कट लगा लेंगे। अब बहुत ज़्यादा टेस्टी है हमारी अफलातून बनकर तैयार हुई है। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, कितनी आसानी से ये घर पर तैयार हो गई है, बिल्कुल मार्केट के जैसी, मतलब मुंबई के जैसी, बिल्कुल वही टेस्ट, और बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए आप कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, इसको बनाना घर पर बहुत आसान है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपके घर पे सभी को बहुत पसंद आएगी ये अफलातून की रेसिपी। आप इसको बनाइए, सबको खिलाइए,
बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी के साथ में ही अफलातून हमारी तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको क्लिंग रैप कर देंगे, या आप इसको बटर पेपर में करें, या आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको। तो वहाँ पर मुंबई में तो ऐसे मिलती है, तो मैंने इसको ऐसे ही पैक कर दिया है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।